मिले 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज, कुल संख्या बढ़कर हुई 2429। 402 हैं कोरोना के एक्टिव मरीज। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित आपदा कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। जिलाधिकारी के निर्देश पर BDO ने विकास भवन के कार्यालयों का किया निरीक्षण, 37 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। नगर थाने की पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। समाज सेवी चंद्रमणि पांडे ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार में जांच की मांग। जिले में 13 व 14 सितंबर को होगा राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा, जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा ने दी जानकारी। बस्ती जिले के श्रीकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में अब हो सकेगा कूल्हे का प्रत्यारोपण, चेयरमैन बसंत चौधरी ने दी जानकारी। प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बिलासपुरा में कटान के चलते गांव का अस्तित्व खतरे में, अपना घर तोड़ रहे लोग। हरैया विधायक अजय सिंह ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा राहत सामग्री।